हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पेशल मिठाई बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब दिख रही है, खाने में भी उतनी अच्छी है जितनी कि देखने में अच्छी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमको मावा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सूजी और शुगर दो चीज़ों से ही बनाने वाले हैं और थोड़ी सी मलाई लेंगे ताकि इसका टेस्ट और एनहांस हो जाए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच देसी गाय का घी ले लिया है और एक कटोरी एक कप अप्रॉक्स मैं सूजी ले रही हूँ। सूजी जो है बारीक वाली ले लीजिए, मोटी है तो थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के एक मिनट के लिए चला लीजिए तो ठीक हो जाएगी। फिर इसको हम रोस्ट करेंगे, 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। और कब तक रोस्ट करना है, जब तक कि इससे भीनी भीनी सी बहुत ही एक अच्छी खुशबू आने लगती है तब तक इसको हम रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा लिटिल ब्राउन सा, तब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। तो मिल्क जो है यहाँ पे डबल ले लीजिए, जैसे एक कटोरी सूजी ली है ना तो 2 कटोरी दूध ले लीजिए। और थोड़ी सी मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ, वो मैं शायद शूट नहीं कर पाई हूँ, दिखा नहीं पाई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मलाई ले रही हूँ मैं, 3-4 चम्मच अप्रॉक्स मलाई डाल दूंगी। मलाई डालने से क्या होता है कि टेस्ट जो है बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। अगर आपको मलाई नहीं डालना है, मलाई नहीं है एट अ टाइम घर पे, तो आप क्या कर सकते हो, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा, खोबा का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन गाइज, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं वर्किंग मोम्स के लिए इजी रेसिपीज बताती हूँ क्योंकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और घर किचन बच्चा मैनेज करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया है और यहाँ पे आपको माप, मतलब जैसे मैंने बताया ना, 1 कटोरी सूजी और 2 कटोरी दूध लिया है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपसे मतलब थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया है ना डो, तो मैं आगे जाके सीक्रेट बताऊंगी कि आप किस तरीके से डो को करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम शुगर सीरप बना ले रहे हैं। जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा था तो 1 कटोरी मैंने शुगर ली है, तो 1 कटोरी ही पानी डाला है। और हमको बस चाशनी, मतलब पानी, शक्कर को पानी में घुलने ही देना है और बस हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। चाशनी को पतला पतला ही रखना है। हाँ, तो यहाँ पे सीक्रेट क्या है डो का, जैसे डो अगर बहुत ज़्यादा कड़क हो गया ना तो आप थोड़ा सा दूध डाल के गूंथ लीजिए बहुत अच्छे से, जैसे आप मावा के रसगुल्ले बनाते हैं तो उस तरीके से गूंथ लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया डो, आपको लग रहा है डो बहुत गीला है, हाथ में चिपक रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा या तो फिर मैदा डाल लीजिए या फिर अपन गेहूं का आटा डाल लीजिए तो परफेक्ट बन जाएगा। मतलब आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि बहुत कड़क हो गया डो या बहुत गीला हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब अगर बहुत कड़क है थोड़ा सा दूध मिला लो और बहुत ज़्यादा गीला हो गया थोड़ा सा आटा मिला लो, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपसे माप सही नहीं बना है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे शेप्स बना लिए हैं और आपको ऑयल क्या चेक करना है, ऑयल चेक करना है कि जैसे ही हम डालते हैं ना तो बबल्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं, थोड़े थोड़े से बबल्स आना चाहिए। इट मीन्स कि हमारा ऑयल जो है परफेक्ट, मतलब इसका तापमान जो है परफेक्ट है, इतना ही गर्म रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म रखोगे, मतलब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो क्या हो गया, रसगुल्ले बाहर से सिकेंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर बहुत कम मतलब ठंडा है ऑयल, तो क्या हो गया, रसगुल्ले फटने लगेंगे और मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ऑयल का टेम्परेचर हमेशा चेक करना है। ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको फ्राई करना है। फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, बट ये बनके तैयार होगी, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। जैसे ही आप रसगुल्ले डालते हो ना तो आपको तुरंत स्पैचुला से चलाना नहीं है, चलाओगे तो वो क्या होंगे, फट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑयल को घुमाना है, आपको रसगुल्लों को टच भी नहीं करना, सिर्फ ऑयल को घुमाते जाइए, रसगुल्ले जो है अलटते पलटते जाएंगे और मस्त फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको रसगुल्लों को फ्राई करना है। तो गाइज, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं वर्किंग मोम्स के लिए इजी रेसिपीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही ब्रेक टाइम में वर्क फ्रॉम होम मैनेज करती हूँ, ये सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ और वीकेंड पे बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे रसगुल्ले मस्त बन के तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। तो एक टिप ये है कि ठंडी चाशनी में कभी रसगुल्ले मत डालना, अदरवाइज़ वो क्या होगा कि रसगुल्ले चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो आपको चाशनी जो रखनी है गुनगुनी रखनी है, या तो गरम रखिए या थोड़ी सी गुनगुनी रखिए, तब इसमें रसगुल्ले डालेंगे ना तो तुरंत ही भर जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम तक भी नहीं, आप नहीं रखोगे ना, इनको डिप नहीं करोगे चाशनी में, तब ये इमिजिएट भर जाएंगे। तो मैंने इनको 10 मिनट डले रहने दिया था गरम गरम चाशनी में। अब ये रसगुल्ले हमारे बन के तैयार हो गए, बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, तो कोई मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमने मलाई डाली है। कोई ये भी नहीं, अगर हम किसी गेस्ट को देंगे तो वो ये नहीं बता पाए
खाएंगे कि मावा के रसगुल्ले हैं कि सूजी के रसगुल्ले, क्योंकि टेस्ट जो है उसी लेवल का आ रहा है और उतने ही सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आपके पास घर में फिलहाल मावा नहीं है तो सूजी से इस प्रकार से आप रसगुल्ले बना सकते हैं इस दिवाली पे। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को जरूर